यह कार्यक्रम भारतीय फतांसी एवं लोक कथाओं से प्रेरित है। दर्शक सदस्यों को सलाह दी जाती है कि इस कार्यक्रम का आनंद केवल एक काल्पनिक रचना के तौर पर ही लें, जो कि वास्तविकता पर आधारित नहीं है। सामाजिक बुराइयों व अंधविश्वासों को यह नेटवर्क मान्यता नहीं देता तथा इनकी कड़ाई से निंदा करता है। आप इतनी रात को यहाँ अकेली क्या कर रही हैं? देखिए, ये जगह ठीक नहीं है। यहाँ अक्सर ही कुछ ना कुछ होता रहता है। चलिए, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। चलिए। आपने बताया नहीं, ऐसा क्या होता है यहाँ? लोगों का कहना है कि यहाँ पे एक डायन का साया है। डायन? आपने देखा है क्या? नहीं नहीं, मैंने सुना है कि उसके लंबे लंबे नाखून हैं, लंबी काली चोटी। वो अपने आप को जवान रखने के लिए लोगों की उम्र खा लेती है। और जानती हो सबसे खास बात, उसके पांव उल्टे हैं। उल्टे? हाँ। कहीं ऐसे तो नहीं? एक डायन जिसकी बुरी नजर पड़ी राठौड़ परिवार पर। अनजाने में हमारे मृदुल ने अपना पैर रख दिया उस चक्र में। उस डायन की नजर रिदुल पर पड़ गई। उसने मृदुल को ऐसे अपने वश में किया कि मेरा भाई बस उसी का होकर रह गया। हमें फोन तक करना बंद कर दी। पूछा तो बताया कि व्यापार की तरक्की के लिए वो औरत उससे अजीब अजीब चीजें करवाती है। एक दिन अम्मा ने उसका असली रूप देख ली।
और उसके बाद क्या हुआ ये हम सब जानते हैं। माँ, माँ क्या हुआ माँ? अम्मा अम्मा के हाथ में पत्थर थी ये, देखा है आपने ने पहले कभी? मगर कोई नहीं जानता था उसके बारे में। भाई साहब, ये घर कैसे जला? सालों पहले की बात है, जब से इस घर को देख रहा हूँ ये ऐसा ही है। ये घर आग से नहीं चला, बुरी नजर से चला है। ऐसी नजर जो इस घर में रहने वाले हर इंसान को खा गई। वेदश्री, तुम्हारे पास मोहना की कोई तस्वीर है? आईने में मोहना का अक्स तो है ही नहीं। इसका मतलब मोहना एक आत्मा है? आत्मा नहीं, मोहना डायन है। 200 साल पुरानी डायन। और डायन जिस घर में जाती है उसे खा जाती है। मोहना सच में हमारे मृदुल भैया को खा गई। मुझे दिव्या ने बताया था कि डायन की सारी शक्तियां उसकी चोटी में होती है और अगर उसकी चोटी काट दी जाए तो उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाती है। जैसे ही दिव्या ने गंगा जल डाला वो अपने असली रूप में आ गई। से कोई मोहना को मारना नहीं चाहता था। आखिर वो भी इस घर की बहू थी, मृदुल भैया की पत्नी थी, उनके बच्चों की मां।
लेकिन एक डायन जन्म तो दे सकती है पर मां कभी नहीं बन सकती। जैसे मृदुल भैया को खा गई वैसे ही उसके बच्चों को भी खा जाती। हमें नहीं पता हमने पाप किया या पुण्य किया लेकिन जो भी किया वो काजल और अंश के लिए किया। लगते ही वो अपने असली रूप में आ गई और सबने देखा कि वो एक 200 साल पुरानी डायन थी। डायन लौटी दोबारा। अंश की रगों में इंसान और डायन दोनों का खून है और मैंने सुना है कि डायन का पहला जना आधा इंसान आधा डायन होता है। दावंश होता है, खून भले ही उसमें डायन का है मगर संस्कार मेरे हैं। डायन ने उसे अपने वश में कर लिया तो इसीलिए हमें उस देवी के निशान वाली लड़की को ढूंढना ही होगा। दैविक और दावंश की हुई मुलाकात। Thank you.
अब तक तो तुम समझ ही गई हो पेशी के रहते अंश तक पहुंच पाना कितना मुश्किल है। वो अंश को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। जो सालों पहले मैंने मृदुल के साथ किया था वो अंश के साथ कभी नहीं होने देगी। सिर्फ उसकी जिंदगी में आने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें अंश को बुराई की तरफ खींचना होगा। उसे ये एहसास दिलाना होगा कि वो कोई आम इंसान नहीं है। इसीलिए मैंने तुम्हें उस लड़की की लाश चुराने के लिए कहा था ताकि तुम उसे यकीन दिला सको कि इसे उसी ने मारा है। वो जितना अपने आप से भागेगा जितना अपने आप से डरेगा उसे बुराई की तरफ खींचना उतना ही आसान रहेगा। वैसे पूरी कोशिश करेगी कि अंश की शादी उस देवी के चिन्ह वाली देवी से हो। लेकिन अंश की शादी तुम्हारे साथ होनी चाहिए क्योंकि जब एक डायन और दावन की शादी होगी तभी तो मैं वापस आऊंगी। फोन तो स्पीकर पे और भैया यही है। अंश, अंश मुझे वो लड़की मिल गई। कौन? अरे अरे बेटा वो देवी की निशान वाली लड़की। माँ, माँ किसकी बात कर रही है आप? अरे तू बस घर आकर फौरन देख लेना। आज तू घर आ फौरन। मैं कह रही हूँ ना तू जल्दी से घर आ और उस लड़की से मिल जिससे तेरी शादी होने वाली है। क्योंकि जब एक टायर और टावर की शादी होगी तभी तो मैं वापस आऊंगी। तूने ही मुझे 18 साल पहले कैद करके रखा था
और आज तूने ही मुझे खुद इस बंधन से आजाद कर दिया। अब मैं आजाद हूँ, अब मैं आजाद हूँ, अब मैं आजाद हूँ। कैसी है मेरी छुटकी? मैं तो भूल ही गई थी, किसी को पता नहीं चलना चाहिए ना कि हम दोनों बहनें हैं। अरे
ऐसे क्यों डर रही है छुटकी? मैं मोहना तेरी बड़ी बहन। नहीं खबरदार, जब मुझे अपनी बहन कहा तो मैं तेरी बहन नहीं हूं। ऐसे नहीं बोलते, बुरा लगता है। हमारे बाप अलग हुए तो क्या हुआ, हमारी माँ तो एक ही है। जब तेरी और मेरी माँ एक है तो हम दोनों बहनें ही हुई ना, हुए ना। क्या सोचा था, मुझे पत्थर बना के तू मुझसे पीछा छुड़ा लेगी? तुझे तो कभी मेरी याद नहीं आई, लेकिन मैंने ऐसा एक दिन भी नहीं गुजारा जब मैंने तुझे याद ना किया हो। पता है, वहां से निकलते ही सबसे पहले मैं तेरे पास आई हूं। तू मुझे है ही इतनी प्यारी। गुस्सा होने की आदत गई नहीं तेरी अभी तक। अच्छा छोड़ ये सब, पुरानी बातें दोहरा के क्या फायदा। इतने सालों बाद मिले हैं, तुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है। अपनी बहन की गले नहीं मिला। अरे गुस्सा क्यों हो रही है, तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? अपनी बहन को देख के खुशी नहीं हुई? खुशी होगी भी कैसे, तुझे तो खुशी उस दिन हुई थी जिस दिन तूने मुझे जिंदा जलाया था। तूने अपनी ही बहन को जिंदा जला दिया, तुझे जरा से भी तकलीफ नहीं हुई? तूने एक बार भी नहीं सोचा कि जिसे तो जला रही है वो तेरी बहन है, तेरी अपनी बहन। चल छोड़ ये सब बातें, तुझे जो ठीक लगा तूने किया, अब मुझे जो ठीक लगेगा मैं करूंगी। मेरे बाद अंश और काजल का तूने बहुत ख्याल रखा, इसके लिए शुक्रिया। माँ कौन है ये? इतने सालों बाद भी तू अपनी माँ को जरूर पहचान लेगा। लेकिन अब आप इतने साल ठीक है।
पत्थर बन गई थी। सालों से मैंने अपने दिल को पत्थर बना के रखा था ताकि मुझे तुम दोनों की याद ना आए। अब ठीक है। आश्रम चली गई थी बेटा, या कहूं कि किस्मत और दुनिया ने मुझे तुम दोनों से दूर चले जाने के लिए मजबूर किया था। एक तरफ पति को खो देने का दुख और दूसरी तरफ दुनिया के ताने, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के शांति की तलाश में आश्रम चली गई थी। हमें तो बताया गया था कि क्या आप इस दुनिया में ही नहीं रहे। मैंने उनसे कहा था तुम दोनों से झूठ बोलने के लिए। क्योंकि मुझे पता था अगर तुम्हें पता चल जाता कि मैं जिंदा हूं तो तुम दोनों मुझे ढूंढते ढूंढते आश्रम तक आ पहुंचते। देखा जाए तो इनका झूठ झूठ भी नहीं था। दुनिया के लिए तो मैं मर ही चुकी थी और मेरी खुद की भी ऐसी हालत थी कि मैं खुल के सांस तक नहीं ले पा रही थी। तुमसे दूर रहकर एक एक पल तुम्हारी माँ का दम घुट रहा था। अपने बच्चों से दूर रह के हर माँ की ऐसी ही हालत होती है। तुम लोग सोच भी नहीं सकते मैं कितनी अकेली पड़ गई थी, कितना डर गई थी। मैं जानती हूं तुम दोनों के लिए मां के बिना रहना कितना मुश्किल होगा, लेकिन मेरे लिए भी आसान नहीं था बेटा। पहले अपने पति को खोया और फिर दुनिया के ताने कि मैं अपने पति को ही खा गई। दुनिया ने तो क्या क्या कहा कि मैं मनहूस हूं, पति को खा गई अब अपने बच्चों को भी खा जाऊंगी। बोलने वालों के दिल में जो आया बोलते गए, लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा कि मेरे दिल पे क्या बीतेगी। भला कोई माँ अपने बच्चों को कैसे। मुझे लगा शायद मैं सच में मनहूस हूं, इसीलिए मैं तुम दोनों की भलाई के लिए अपने दिल पे पत्थर रख के मैं तुम दोनों से दूर चली गई। क्योंकि मैं जानती थी मैं अपने बच्चों के पास रहूं या ना रहूं मेरे बच्चों को
माँ का प्यार जरूर मिलेगा। वेदश्री भाभी, तुम दोनों को अपने बच्चों से बढ़ के प्यार देंगी। आपने मेरे पीछे मेरे बच्चों को पाला पोसा, इतने अच्छे संस्कार दिए, उसके लिए मैं आपका जितना शुक्रिया अदा करूं कम होगा। अठारह साल में ऐसा एक दिन भी नहीं गया जब मैंने तुम दोनों को और इस घर को याद ना किया हो। मैं हमेशा सोचती रहती थी मेरे बच्चे इतने बड़े हो गए होंगे, ऐसे दिख रहे होंगे, स्कूल जाते होंगे, बहुत तरसी हूं तुम दोनों के बिना। बस एक बार अपनी माँ के गले लग जाओ ताकि माँ के कलेजे को ठंडक पहुंचे। अरे मैं तुम्हारी माँ हूं, सगी माँ। अपनी माँ से इतनी नाराजगी कि एक बार गले भी नहीं मिल सकती। भाभी आपने तो इन दोनों को माँ की तरह पाला है, लेकिन असली माँ तो वही होती है ना जो जन्म देती है। आप लोग चुप क्यों हैं? बताइए, मैं इनकी माँ हूं। बेटा मैं जानती हूं अंश, इतने सालों बाद तुम लोगों की जिंदगी में वापस आने का मेरा कोई हक नहीं बनता, लेकिन मैं क्या करती, कब तक अपने बच्चों से दूर रहती। जैसे ही तेरी शादी के बारे में सुना मुझसे रहा नहीं गया। हर माँ का सपना होता है अपने बेटे की शादी कराए, उसके सर पे सहरा सजाए, लेकिन मैं अभागत ये भी नहीं देख पाई। लेकिन मरने से पहले एक बार अपने बेटे और बहू को देखना चाहती थी, आशीर्वाद देना चाहती थी, इसीलिए बिना सोचे समझे बस चली आई। मुझे माफ कर दे बेटा, अपनी माँ को माफ कर दे। आज को पता चल गया कि मैं दैविक नहीं हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। क्या तू तो जैसी बेवकूफ टाइम से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? इतनी बड़ी बात तूने मुझसे छुपाई क्यों? मैं डर गई थी मोहना, पर तुम फिकर मत करो, मैं कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगी। मुझे प्लीज छोड़ दो। कुछ नहीं कर सकती, और अगर तुझे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना ही नहीं आता तो क्या फायदा इन शक्तियों का? अब तुझ में और एक आम इंसान में कोई फर्क नहीं है, यही तेरी सजा है। तुम जानना चाहते थे ना दावंश क्या होता है? डायन की पहली संतान को दावंश कहते हैं। हाँ अंश, मैं एक डायन हूं। डायन तेरी रगों में एक डायन का खून है, तू एक दावंश है। दावंश है। मतलब मेरे साथ आज तक जो कुछ भी हो रहा था
वो मैं बाकी उससे अलग हूं, क्योंकि मेरी माँ एक डायन है। डायन है, एक डायन माँ हो सकती है लेकिन एक माँ डायन नहीं हो सकती। मैं डायन हूं दुनिया के लिए लेकिन अपने औलाद के लिए सिर्फ माँ हूं। लेकिन ये बात इन लोगों को समझ नहीं आई, इसलिए इन्होंने मुझे अपने बच्चों से अलग कर दिया। मैं तुम दोनों को छोड़कर नहीं गई थी, इन लोगों ने हमें अलग किया था। क्या ये सच है माँ? क्या आपने जानबूझकर हमें हमारी माँ से अलग किया था? हमारे किसी भी सवाल का इनके पास कोई जवाब नहीं है। मैं तुम्हें बताऊंगी सच क्या है, मेरे साथ क्या क्या हुआ था, इन लोगों ने मेरे साथ क्या क्या किया था, मैं तुम्हें बताऊंगी बल्कि दिखाऊंगी। लेटी रहो, तुम्हें आराम की जरूरत है। इतने सालों से आराम ही तो कर रही थी और मैं तब से आपको ढूंढ रही हूं मां। पिया मुझे लगा था कि तुम दोनों बहुत दर्द सहे हैं हम सब ने उसकी वजह से, और बदला लेने का वक्त आ गया है। हमें यहां से चलना चाहिए अभी। हाँ मोना, अभी कैसे जा सकते हैं? एक बार दिव्या से मिल तो ले। हाँ निशान जी को बिना बताए जाना अच्छा थोड़ी लगेगा। तुम लोगों को जो करना है करो, लेकिन मैं और अंश अभी जा रहे हैं। चलो अंश। मोना, मोना मेरी बात पर... तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में कदम रखने की? हाँ और आप लोग एक डायन को लेकर मेरे घर में चले आए? मैं जानती हूँ दिव्या, इस वक्त तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे, लेकिन अब पुरानी बातों को दोहराने का ना तो कोई फायदा है ना कोई मतलब। और रही बात मेरे यहाँ आने की, तो मैं अपने बेटे के लिए तुम्हारी बेटी पिया का हाथ मांगने आई हूं। मैं ये रिश्ता होने ही नहीं दूंगी, चाहे उसके लिए ये डायन मेरे पैरों पर गिरकर इस रिश्ते की भीख क्यों ना मांग ले। ये बात तुम्हें नहीं मुझे बोलने चाहिए थी। 18 साल पहले तुमने मुझे पत्थर बना के कैद किया था।
लेकिन फिर भी मैं सब कुछ भुला के मेरे बेटे की खुशी के लिए यहाँ आई हूँ। जब मैं सब भुला सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं भूल सकती? नहीं भूल सकती मैं। नहीं भूल सकती कि तुम एक डायन हो। नहीं भूल सकती कि पीठ पर वार करना तुम्हारी फितरत है। और तेरी फितरत बस करो तुम दोनों। क्यों अपनी दुश्मनी की आग में अपने बच्चों की खुशियों को जला रही हो? अंश और पिया अलग नहीं होंगे, मैं उन्हें अलग नहीं होने दूंगी। मैं कल इन दोनों की शादी करवा रही। अगर तुम दोनों अपने बच्चों को आशीर्वाद देना चाहती हो तो शादी में आ सकती हो, लेकिन अगर तुम दोनों को दुश्मनी ही निभानी है तो शादी में आने की भी कोई जरूरत नहीं। चलो एक मिनट छुटकी। छुटकी बिल्कुल सही कह रही है दिव्या। अंश और पिया एक दूसरे के लिए बने हैं। क्या हम दोनों अपने बच्चों की खुशी के लिए ये दुश्मनी नहीं भूल सकते? क्या हम इतने खुदगर्ज हैं कि अपने बच्चों को आशीर्वाद देने के बजाय उन्हें दुख देंगे? मान जाओ दिव्या, मेरे लिए ना सही, मेरे बेटे के लिए ना सही, कम से कम अपनी बेटी पिया के लिए मान जाओ। हाँ बोल दो, मान जाओ दिव्या। अगर पिया की खुशी अंश के साथ है तो ठीक है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। इतना बड़ा सांप हमारे घर में आया कहां से? वो कोई आम सांप नहीं था, सर्प वंश का था, क्योंकि कोई भी आम सांप दावंश पर हमला नहीं करता। मुझे लगता है वो मेरा पीछा करते हुए यहां तक पहुंचा है। क्या? आज सुबह जब मैं तालाब पर गया था तब कोई मुझ पर नजर रख रहा था। पंडित जी, लेकिन किसी सांप की मेरे बेटे के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। सर्प वंश का कोई भी सांप किसी पर तब तक हमला नहीं करता जब तक उसकी उससे दुश्मनी ना हो, और फिर सर्प वंश की दावंश से क्या दुश्मनी हो सकती है? यहाँ हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है दिव्या, और ये बात हम दोनों जानते हैं कि मेरे बेटे पे हमला तूने किया है। दुश्मनी डायन से निभा रही है, डायन के बेटे से। अगर दुश्मनी निभाने पर आई होती ना तो अब तक ना तू जिंदा होती और ना तेरा बेटा। और इस दुश्मनी की शुरुआत तूने की थी, वरना हम तो दोस्त थे ना, और तू मुझसे मदद मांगने भी आई थी। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है दिव्या, हम डायनों का वंश खतरे में है। लेकिन तुम्हारा दुश्मन है कौन? रीवा वंशी। अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं रीवा वंशियों का विनाश कर दूंगी। वादा तो कर लिया था दिव्या, पर वादा निभा नहीं पाई। एक रीवा वंशी बच गया,
वो आखिरी रीवावंशी जिसे तू मौत देने गई थी पर दिल दे बैठी। नहीं मोहना, मैं निशांत को नहीं मार सकती। वो मेरे पति है, हमारा हंसता खेलता परिवार है, बच्चे है। और हमारा परिवार, हमारे बच्चे, उनका क्या जिन्हें तुम्हारा पति मार रहा है? निशांत वही कर रहे हैं जो एक रीवावंशी होने के नाते उन्हें करना चाहिए। तो मैं भी वही करूंगी जो एक डायन होने के नाते मुझे करना चाहिए। कि एक डायन किसी की दोस्त नहीं होती, इसलिए तुमने मुझसे बदला लिया। एक ऐसा बदला जो सिर्फ एक डायन ही ले सकती है। मोना, मोना मेरे बेटे को छोड़ दे। इसका क्या कसूर है मोना, इसे छोड़ दे। इसका कसूर है, ये तेरा और निशांत का बेटा है, ये एक रीवावंशी है। तूने मेरे बेटे को नहीं मारा, तूने मेरे और निशांत के रिश्ते को ही खत्म कर दिया। तूने मेरा सच निशांत को बताया और निशांत ने मेरे साथ रिश्ता ही खत्म कर दिया। तेरे बेटे को मारने वाले हाथ भले मेरे थे, लेकिन उसके मरने की वजह तू थी। नहीं, यही सच है, तेरा बेटा तेरी वजह से मरा है, उसकी जान तूने ली है। चुप हो जा मोहना, वरना अच्छा नहीं होगा। तेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसकी वजह तू खुद है। तेरा परिवार बिखरा तेरी वजह से, तेरा बेटा मरा तेरी वजह से, इस सब की जिम्मेदार तू है। तू बस, बस! ये यहाँ क्या कर रही है? फिर से बेवकूफ बन गई। मुझे पता था तू मुझे ढूंढते हुए जरूर आएगी, इसलिए मैं ही तेरे पास आ गई। तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ है। सोच लो सर्पिका, तुम्हें अपना बेटा चाहिए या नहीं। कहाँ है मेरा बेटा? आप तो बता दे मेरा बेटा कहाँ है, बोल। हंस क्या रही है डायन, बता मेरा बेटा कहाँ। मैं पिया को सर्प अंगूठी दे चुकी हूँ। या ये अंगूठी किसने दी? माँ ने। तूने मुझे तो मार दिया मोहना, पर अब सर्पिका की जगह मेरी बेटी पिया लेगी। दोनों के सात फेरों के साथ मेरी उल्टी चाल के सात कदम भी पूरे हो गए। जीते रहो, सदा सुहागन रहो।
का अपना बदला कभी नहीं भूलती। मैं आपकी मौत का बदला लेकर रहूंगी मां, हर हाल में। हमारे सारे सवालों का जवाब हमें इस डायन रहस्य में मिलेगा। इसमें हम रीवा वंशियों के पूर्वजों ने डायनों के बारे में हर छोटी बड़ी बात लिखी हुई है। इकायन, देखो इसमें भी लिखा हुआ है, इकायन की उम्र 251 साल होती है, उसके बाद वो मर जाती है, लेकिन अपने डावंश बेटे की मदद से वो अमर हो सकती है। इसके लिए उसे अपने डावंश बेटे को इसके आगे का पन्ना कहाँ गया? मैं यहाँ अपने बच्चों के लिए नहीं बल्कि अपने फायदे के लिए वापस आई हूँ, क्योंकि मेरा दावंश बेटा ही मुझे अमर बना सकता है। मैंने तुम्हें यहाँ कुछ पूछने के लिए बुलाया है। मुझे जानना है जो मुझे चाहिए उसका सही समय क्या है। पूर्णिमा? मतलब पूर्णिमा में मुझे वो मिल जाएगा जो मुझे चाहिए। क्या चाहिए तुम्हें? तुम जान के क्या करोगी? आखिर मैं भी तो जानू तुम अंश से क्या चाहती हो। मैं जो चाहती हूँ उसे भूल जाओ, तुम जो चाहती हो उस पर ध्यान दो, अपनी माँ की मौत का बदला। पर याद रखना बहुरानी, ना तुम मुझसे बदला ले पाओगी ना मेरा बेटा, बल्कि मैं तुमसे तुम्हारा पति छीन लूंगी, तुमसे अंश को बहुत दूर ले जाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। ना तो तुम अंश को मुझसे छीन पाओगी, ना ही उसे दावंश बना पाओगी। वो एक दावंश है बहुरानी, मुझे उसे सिर्फ उसके दावंश होने का एहसास दिलाना है, और ये काम कोई मुश्किल भी नहीं है। जानती हो क्यों? क्योंकि मैंने जो 7 कदम वाली उल्टी चाल चली थी उसकी वजह से तुम अब दैविक नहीं रही, और सिर्फ एक दैविक ही अंश को दावंश बनने से रोक सकती थी। अब तुम सिर्फ एक मामूली सी सर्पिका हो जिसको
को ये भी एहसास नहीं है कि उसके पास क्या क्या शक्तियां हैं। तुम भूल रही हो एक सर्पिका ने तुम्हें इतने साल कैद करके रखा था, और तुम भूल रही हो कि मैंने उस सर्पिका का क्या हाल किया था। लेकिन ये सर्पिका तुम्हारा उससे भी बुरा हाल करेगी। दैविक हो या नहीं, मुझ में अपनी शक्तियों का एहसास है या नहीं, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे सामने ना तो कोई दैविक खड़ी है, ना ही कोई सर्पिका। तुम्हारे सामने एक पत्नी खड़ी है। अगर तुमने अपनी उल्टी चाल के साथ कदम चले हैं, तो मैंने अग्नि को साक्षी मान के अंश के साथ साथ फेरे लिए हैं। सात जन्मों का साथ निभाने का वादा किया है। सात जन्मों के साथ को तुम्हारी सात कदमों की उल्टी चाल तोड़ नहीं पाएगी। पत्नी अगर ठान ले तो यमराज को भी हरा सकती है। तुम तो फिर भी एक डायन हो। डायन रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। दैविक नहीं रही लेकिन अकड़ अभी भी दैविक वाली है। मैंने भी अगर तेरी अकड़ निकाल नहीं दी तो मैं भी डायन नहीं। पिया को पसंद आए। गिफ्ट तो गाड़ी में ही भूल गया। अंश ये सब क्या कर रहा है? क्या डायन साया अंश से होकर नहीं गुजरा? डायन साये को अपना काम करना ही होगा। हेलो, थैंक्स। या दैविक हो ना हो, मेरे रास्ते का पत्थर जरूर है। इसके प्यार की शक्ति ही इस साय को रोक रही है, और मैं जानती हूँ इस प्यार को कैसे खत्म करना है। पिया ने अपने सर्पिका होने का राज अंश से छुपा कर रखा है। जिस पल अंश उसकी सर्पिका रूप को देख लेगा, उसे लगेगा पिया ने उसे धोखा दिया है, उसे झूठ बोला है। पिया का ये झूठ इस रिश्ते पर बहुत भारी पड़ेगा। जैसे ही प्यार के पांव लड़खड़ाएंगे, उसी पल डायन साया अंश से होकर गुजर जाएगा। इत्र से अंश को कुछ नहीं होगा, पर अंश के शरीर से आती इसकी खुशबू सर्पिका को अपनी असली रूप में आने के लिए मजबूर कर देगी। और जब अंश देखेगा कि उसकी बीवी एक जहरीली सर्पिका है, तब ये प्यार की कच्ची डोरी
हमेशा के लिए टूट जाएगी। डायन वृक्ष सदियों से सर्पवंश का घर रहा है। अपने पूर्वजों की उसी शक्तियों का आह्वान करते हुए मैं सर्पवंश की सर्पिका डायन वृक्ष को आदेश देती हूँ कि मेरे सब सवालों का जवाब दे। मैं डायन वृक्ष का आह्वान करती हूँ। कोई डायन वृक्ष तक पहुंच चुका है, मुझे डायन वृक्ष को बुलाना होगा। अंश और पिया आ जाएंगे भाभी। मुझे तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है। लेकिन अंश मेरी बात बहुत जरूरी है। तुमसे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है पिया। मेरी बात तो सुन लो। बात सुनने सुनाने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। आज की रात हमारी नहीं, खामोशी के बोलने की रात है। अंश
मारू अभिया को। पता नहीं अविनाश, जब हम यहाँ आए तो ये हमें ऐसे ही मिली। ये कैसे हो सकता है? मैं तो बस इतना चाहती थी कि पिया अपने सर्पिका वाले रूप में आ जाए ताकि अंश उसका असली चेहरा देख सके। पिया आप जिंदा नहीं है? नहीं। क्या? ये आप क्या बोल रहे हैं निशान जी? लेकिन ये मरी भी नहीं है। मतलब यह इस वक्त त्रिशंकु लोक में है। मतलब वो पिया कोमा में है? त्रिशंकु लोक जिंदगी और मौत के बीच की एक दुनिया है। यूं समझ लीजिए कि मेरी गुड़िया एक गहरी नींद में है और मुझे नहीं पता कि वो उस नींद से लौटेगी या नहीं। निशान जी, पिया को बचाने का कोई तो तरीका होगा आपके पास? मेरे पास कोई तरीका नहीं है, पर जहां तक मुझे पता है आज तक कोई त्रिशंकु लोक से वापस नहीं लौटा है। ये क्या किया तूने मोहना? मैंने कुछ नहीं किया छुटके। मैं जानती हूँ ये तेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता। अंश की जिंदगी है, हमारे बेटे की जिंदगी है। मत छीन उससे उसकी जिंदगी। तू भले ही मुझे मेरी बहू मत लौटा, मगर अंश को उसकी जिंदगी लौटा दे। मोना पिया को ठीक कर दे, ठीक कर दे मोना। मोहना ने कुछ नहीं किया है। पिया पर जिस विष का इस्तेमाल किया गया है वो डायन विष नहीं है, कुछ और है। इतना शक्तिशाली कि उसने पिया को त्रिशंकु लोक तक पहुंचा दिया। ऐसा कौन सा विष हो सकता है? मोहना ने नहीं किया तो फिर किसने किया? जब ये हादसा हुआ तब पिया के साथ कौन था? पिया के साथ? ये पिया के फेवरेट फ्लावर्स। हमें सब पता है, जा दिया उसे। अंश, अंश, और अंश इस वक्त कहाँ है? अंश कहाँ है? वैदेशी अंश। अंश, 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 मिला अंश? नहीं, कहीं नहीं मिला। अंश, ऐसा नहीं लगता है कि उसको कुछ पता है। आएंगे कैसे हम उसको? लेकिन भैया बताना तो पड़ेगा ही ना। भाभी, ये बात सिर्फ आप अंश को बता सकती हैं। हे भगवान, अंश को ये सदमा बर्दाश्त करने की शक्ति देना। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुझे कैसे बताऊं कि पिया नीली होकर गिर पड़ी है, राइट?
तुझे पता है? हाँ, देखा मैंने। जब तुमने उसे उस हालत में देखा, तो तुमने क्या किया? कुछ नहीं। अचानक से नीली होकर गिर गई, ऐसा लगा जैसे मर गई। माँ, हाँ, उसे बेड से हटा देना। अब अंश वो बन रहा है जो मैं उसे बनाना चाहती थी। अंधेरा अंधेरे से मिलने आ रहा है। अब कोई रोशनी अंश को वापस नहीं खींच पाएगी। पिया को इस दुनिया से मैंने नहीं भेजा है, लेकिन जिस किसी ने भी ये कांटा निकाला है, बड़ा अच्छा किया है। पिया के इस दुनिया से जाते ही डायन साया अंश से होकर गुजर गया होगा। अब अंश इंसान नहीं है, उसके अंदर दौड़ रहा डायन का खून जाग चुका है। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है सभी। ढलते सूरज की किरण है, जब तक गुड़िया के कमरे की खिड़की तक पहुंचेंगे, हमारे पास बस तब तक का टाइम है। मतलब 10 मिनट डैड। और इन्हीं 10 मिनट में हमें गुड़िया के कमरे में पहुंचकर उसे वहां से ले जाना होगा। यस निशान जी, पिया, हे भगवान, ये पिया कहाँ चली गई? पिया दी इस बॉक्स में सेफ तो रहेगी ना? पिया जब तक हमारे साथ है, ये सेफ है। अब बस हमें इसे ठीक करना होगा। मुझे तो लगा था तुम लोग पिया को लेके जा रहे हो। कहाँ है मेरी बहू? सावी, अभी नहीं, अभी हम डायन से मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मेरे पास एक ऐसी चीज है जिससे हम इसे कुछ देर के लिए रोक सकते हैं। बोलिए रीवावंशी जी, मेरी प्यारी बहू कहाँ है? कहाँ है? जवाब दो। जैसे ही मैं कहूं, गाड़ी से बाहर निकलो, ओके? यस डैड। चलो।
पाताल केत की का बना हुआ है, तू उसे तोड़ नहीं पाएगी। चलो सभी। रुक जाओ, रुक जाओ। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम दोनों को। बैग लेकर जाओ, मैं तब तक डैन को उठा के रखता हूँ। भाई डैड आप ऐसे अकेले? चावी प्लीज, यही एक तरीका है और बिया का ख्याल रखना। जाओ। ओके डैड। गुड़िया तो सच में गुड़िया बन गई। अब मैं इस गुड़िया का क्या करूं? मना अगर मेरी गुड़िया पर खरोंची आई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। धमकी दे रहे हो? तुम्हारी गुड़िया की जान मेरे हाथ में है, फिर भी तुम मुझे धमकी दे रहे हो? तुम मेरे साथ क्या करते हो ये तो बाद की बात है, पहले अपनी गुड़िया को तो बचा लो। बोला नहीं। देखते हैं तुम्हें अपनी जान प्यारी है या तुम्हारी गुड़िया की।